Good evening, everyone. Most welcome on CLC YouTube channel. I am Nilesh Pilania, CLC ND Academic Head. Today we are here for taking a review and analysis of September attempt 2024. Analysis with students. They said that the paper is so easy comparison to previous year, yeah, April attempt. टीचर्स के साथ भी मैंने डिस्कस किया, उनका भी कहना है कि सर पेपर इजी है. मैथ्स की बात करें तो एज यूजुअल रहा है, कोई ज़्यादा उसमें नहीं है. बल मैं ये कहूँगा कि पेपर का लेवल इजी रहा है, जिससे कि गुड अटेम्प्ट हैं वो हमेशा कंसिडर करते थे 60-65, बट इस बार बढ़कर वो ऑलमोस्ट 70 के आसपास होगा. गैट के पेपर की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर इंग्लिश का पोर्शन है नॉट टफ नॉट ईजी का कंसेप्ट रहा है. अगर जनरल स्टडीज में बात करें तो उसमें थोड़ा चेंजेस रहा है, जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन रहे हैं जो हमेशा 1-2 क्वेश्चन रहते थे, और करंट अफेयर को है वो 1 ईयर तक टच किया है. फिजिक्स की बात करें तो 11-12 की तरह हमेशा एज यूजुअल रहा है, और अगर केमिस्ट्री और बायो की बात करें तो वो भी 9-10 के लेवल एज यूजुअल रहा है. तो पेपर का लेवल जो है वो ईजी रहा है, डायरेक्ट अप्रोच के क्वेश्चन रहे हैं, ज़्यादा लेंथी का प्रोसेस नहीं रहा. इसलिए मैं उम्मीद करता हूं या फिर मैं मानता हूं कि लगभग 350 से नीचे तो मेरिट नहीं जाएगा, कट ऑफ ऑलमोस्ट 350 के आसपास जाएगी. आप सभी को सीएलसी परिवार की ओर से इस सितंबर अटेम्प्ट के लिए हार्दिक शुभकामनाएं. आप हमारे आंसर की से मैच करके अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर मोर देन 350 है तो आप हमारे एसएसबी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 25th of September से. और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जो बैचेस स्टार्ट हैं उनमें बैच फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है 9th of September. आप हमारे से जुड़ने के लिए ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है 9358820434. जय हिंद, जय सीएलसी. हेलो बच्चों, हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन. तो बेटा अपन मैथमेटिक्स जो अभी पेपर हुआ है September 1st उसको डिस्कशन करने जा रहे हैं. आई अमित कुमार, टीम मैथमेटिक्स सीएलसी से कर. तो डायरेक्टली अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4 sin inverse x + cos inverse x = π. तो डियर आप इसको 4 sin inverse x को ऐसे ही रहने दो, cos inverse x को अपन लिख सकते हैं π/2 - sin inverse x = π. तो इसमें इसे चला गया कितना बचा, 3 sin inverse x = π - π/2, दैट इज π/2. सो साइन इन्वर्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/6, इट मीन्स x = 1/2. अब अपने को निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स दिस. इसके जगह x की जगह आप 1/2 पुट कर दो, तो जैसे ही 1/2 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा π/6, और ये कितना आ जाएगा 4 cos inverse 1/2, दैट इज π/3. एलसीएम ले लेंगे 6π + 4 * 8π, कितना हो जाएगा 9π/6. 3 से काट दो, 3 * 2 = 3, कितना आ गया अपना 3π/2. सो थर्ड ऑप्शन इज राइट. सेकंड है व्हाट इज cot inverse sec inverse, cot square sec inverse 2. तो डियर आप इस sec inverse 2 को क्या करेंगे, थीटा मान लेंगे, तो इससे sec थीटा निकल गया 2. यहां से आपको cot थीटा निकाल लेना है, यहां से फिर थीटा cot inverse में निकाल लेना है. सिमिलरली इसमें इसको थीटा मान लेंगे और इसको tan inverse में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपके जो रिजल्ट आएंगे सेकंड आएंगे. इन अ ट्राइंगल एबीसी a/cos a = b/cos b = c/cos c, तो अपन जानते हैं a = k sin a होता है, साइन रूल जिसको बोलते हैं. आप यहाँ पे k sin a पुट कर दो, इसको k sin b, और इसको पुट कर दो k sin c. k कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो ओवरऑल अपना क्या आ जाएगा, tan a + tan b = tan c. इट मीन्स ये तीनों एंगल सेम होंगे, मीन्स ऑल द एंगल मस्ट बी 60 डिग्री. तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 × side² और साइड अपना दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, है ना. 4 × 9 = 36, 9√3 आ जाएगा. सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर. फोर्थ है द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर tan alpha एंड tan beta. इसका मतलब ये हुआ जो tan alpha प्लस tan beta दैट इज -P/A विच इज 6/7 एंड tan alpha into tan beta इक्वल्स टू C/A दैट इज 1/7. अब बोल रहा है वेयर 2 alpha 2 beta आर द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. इसका मतलब क्या हुआ,
टू अल्फा टू बीटा, और सपोज करो कोई एंगल थर्ड है दैट इज एक्स, ये किसके इक्वल हो गया पाई। तो एक्स को इधर ले आओ आप पाई माइनस एक्स और टू से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा अल्फा प्लस बीटा, दोनों तरफ क्या कर देंगे टेन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, इसका यूज कर लेंगे, यहाँ से आपके एक्स जो निकल के आएंगे वो आ जाएंगे 90 डिग्री। तो दैट विल बी द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। इन अ ट्रायंगल एंगल ए 75, देखो एंगल ए कितना दे दिया है 75, एंगल बी दे दिया है 45 डिग्री। तो एंगल सी निकाल देंगे 180 माइनस 75 प्लस 45 दैट इज 180 माइनस 55 10 74 11 1 12 दैट इज 60। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, साइन रूल अप्लाई कर देना है, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। ए को भी सी साइन ए अपॉन सी और बी को भी सी साइन बी अपॉन सी लिख देंगे और यहाँ पे ए और बी का वैल्यू पुट कर देंगे। अपन जानते हैं ए और बी दोनों एंगल पता है अपने को और एंगल सी भी अपन अभी निकाल ही चुके हैं, तो डायरेक्टली वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसके रिजल्ट जो आएंगे आपके सेकंड आ जाएंगे। सिक्स है व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। देखो इसको कॉट टू एक्स को अपन कॉस टू एक्स अपॉन साइन टू एक्स लिख सकते हैं, इसको कॉस थ्री एक्स अपॉन साइन थ्री एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड ले आएंगे तो क्या बचेगा, कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स माइनस साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। तो इससे अपना क्या निकल रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी दैट इज कॉस ए प्लस बी टू एक्स प्लस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो। तो कॉस क्या आ गया फाइव एक्स इक्वल टू जीरो, तो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो होता है, तो थीटा क्या होता है टू एन प्लस वन पाई बाई टू, बस थीटा की जगह अपन फाइव एक्स पुट कर देंगे रिजल्ट निकल जाएगा। तो टोटल अपने को जीरो से पाई में कितने सोल्यूशन मिलेंगे, फाइव सोल्यूशन मिलेंगे। सिक्स है व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। देखो इसमें क्या करेंगे, कॉस टू द पावर 100x और साइन टू द पावर 100x को राइट साइड में लेंगे, ठीक है। और अपने को पता है इसकी वैल्यू मैक्सिमम वन होती है, वन टू द पावर 100 विल आल्सो बी वन, तो इसका मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा। तो साइन एक्स इक्वल टू या तो जीरो होगा, ठीक है, और कॉस एक्स किसके इक्वल होगा वन, तो इससे तो निकलेगा टू एन पाई है ना, और x इक्वल टू यहाँ से निकलेगा n पाई। तो अपने को यूनियन लेना पड़ेगा और यू कैन से आप n का वैल्यू 1 पुट कर दो दैट इज पाई, वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। इन अ ट्राइंगल ए बी सी टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू के। तो डियर यहाँ पे डायरेक्टली आप जानते हो टेन ए प्लस बी प्लस सी ये ट्राइंगल है, इसलिए इसका एंगल ओवरऑल ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 180 और टेन 180 क्या हो जाएगा जीरो। और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस जो भी होगा वो मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से अपना आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी विल बी टेन ए टेन बी टेन सी, और इसका वैल्यू अपने को पता है के, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो कॉट में आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू वन बाई के। सो सेकेंड आंसर इधर आए। व्हाट इज साइन 12 साइन, इसमें क्या करो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो टी साइन 12 एंड साइन 48। आप यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होता है वो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे आपको कॉस 36 का वैल्यू यूज करना पड़ेगा है ना, और उसको सॉल्व कर देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा अपना रूट 5 माइनस 8। वॉट इज कॉस 17 माइनस 17 अपॉन कॉस 17 प्लस साइन 17। तो इसमें क्या करो कॉस 17 से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10 17 1 प्लस 10 17। अब इसमें क्या करते हैं 10 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसके जगह भी 10 45 लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया 10 a माइनस बी का, तो 45 माइनस 17, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर अब 15 माइनस 7 8 एंड ये कितना हो गया 3 माइनस 1 दैट इज 2 10 ये आया, ठीक है। अब 10 28 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसको अपन कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉट 62, सो दैट विल बी द आंसर। 10 है जेड वन एंड जेड टू बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस इक्वल टू जीरो। देखो जेड वन स्क्वायर जेड टू स्क्वायर प्लस जेड वन
जेड टू इक्वल टू जीरो। इसमें क्या करते हैं अपन, जेड टू स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जेड टू स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये बन गया जेड वन जेड टू का होल स्क्वायर, ये तो हो गया वन, और जेड वन से स्क्वायर गया जेड वन जेड टू से स्क्वायर, जेड वन बाई जेड टू इक्वल टू जीरो। तो जेड वन बाई जेड टू इसको मान लेंगे एक्स, तो ये क्या ओवरऑल बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या निकलता है, इमेजिनरी रूट, दैट इज ओमेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या आता है, वन आता है, ठीक है। तो जेड वन बाई जेड टू को ही एक्स माने और एक्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वन आएगा। सिमिलरली इसका रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू क्या होता है, ओमेगा का माइनस वन बाई टू है ना, माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू होता है। तो रियल पार्ट क्या है, माइनस वन बाई टू, इसमें ऐड होकर के क्या हो जाएगा, जीरो। 13 है, द प्रोडक्ट ऑफ फाइव कंजुकेटिव टर्म ऑफ एन एपी इज दिस। तो आपको देखो फाइव कंजुकेटिव टर्म ऐसे लेना है, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए फिर क्या लेना है, ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी, दैट इज टू टू नाइन सिक्स थ्री फाइव, ठीक है। अब बोला है फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म आर इन जी पी। तो फर्स्ट टर्म क्या है अपना ए माइनस टू डी, सेकेंड टर्म कितना है ए माइनस डी, एंड थर्ड टर्म फिफ्थ टर्म कितना है अपना ए प्लस टू डी। ये किस में है, जी पी में। तो देखो ए माइनस डी का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस टू डी इन टू ए प्लस टू डी। तो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी लगा देंगे, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ए और डी में एक रिलेशन आ जाएगा। तो ए को डी के फॉर्म में यहाँ पे पुट कर देंगे, अपना ए और डी दोनों निकल जाएगा। सो कॉमन डिफरेंस जो निकल के आ रहा है वो सिक्स है, एंड इसके सम जो आ रहे हैं ऑल फाइव टर्म का 75। अब देखो 8 प्लस थ्री रूट सेवन टू द पावर 20 इक्वल टू यू प्लस बी दिया है, 8 माइनस थ्री रूट सेवन टू द पावर 20 ये दिया है डब्ल्यू, वेयर वी यू इज एन इंटीजर एंड वी जो है ना जीरो से वन के बीच में लाई करता है। तो अपने से पूछ रहा है वी प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो वी जो है ना जीरो से वन के बीच में लाई करता है, ये अपने को पता है ना बी। और जहां तक रही बात डब्ल्यू की, तो देखो थ्री रूट सेवन एट में से जब माइनस करेंगे दैट विल बी लेस देन वन, सो डब्ल्यू विल आल्सो बी लेस देन वन। तो जब अपन इस दोनों को ऐड करेंगे तो वी प्लस डब्ल्यू विल बी लेस देन टू बट ग्रेटर देन जीरो, दैट तो इट मीन्स क्या, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, टू तो हो नहीं सकता, दैट विल बी वन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू प्लस वी इंटू डब्ल्यू, तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो ओवरऑल, तो यू डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू हो गया, ठीक है, वी डब्ल्यू। अब ये डायरेक्शन बेस्ड है प्रीवियस क्वेश्चन का ही, तो देखो यू प्लस वी है ही और इसको डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर तो दोनों में सेम ही है, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी कर देंगे, तो ए का स्क्वायर कितना हो गया 64 और इसका स्क्वायर 3 3 9 7 63 कितना आएगा 1। तो इट मीन्स अपने 16 का जो रिजल्ट आएगा वो भी 1 आएगा। 17, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल, अपने को बोल दिया पहले से स्क्वायर नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स और कॉन्स्टेंट इस सभी के कॉफिशियंट को जब हम ऐड करते हैं तो वो जीरो आ जाता है, तो इट मीन्स वन रूट तो वन है एंड अदर रूट विल बी सी बाई ए, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो देखो वन रूट ये हुआ और अपने को ये भी बोलना है क्वेश्चन में रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल मीन्स वन इक्वल टू सी बाई ए। सी कितना है, सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कितना है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में आ जाएंगे, एच पी में आ जाएंगे। 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रूट ऑफ द इक्वेशन, देखो इसमें दोनों रूट जो है ना सेम है और वन रूट वन है, इट मीन्स दोनों रूट का सम कितना हो जाएगा टू, और सम ऑफ रूट वो किसके इक्वल होगा वो आप देख सकते हो माइनस बी बाई ए मीन्स दिस अपॉन दिस, इसको रखेंगे, ठीक है। तो जैसे इसको रखेंगे इक्वल में तो टू को क्या करेंगे अपन नीचे ले आएंगे, ठीक है, टू को नीचे में ले आएंगे तो अपना रिजल्ट जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा सी, क्योंकि वन रूट जो है ना वन वो तो विच इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दिस विल बी द आंसर। 19, लेट ए इज दिस देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए,
तो देखो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इसकी प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i टू in, वेयर in इज यूनिट मैट्रिक्स है ना ऑफ ऑर्डर n. इसका जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वन आता है, तो वन इंटू आई एन दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो इट मीन्स डी ऑप्शन इज राइट. और व्हाट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स के लिए भी अपन क्या जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसके भी रिजल्ट क्या जाएंगे आपके फर्स्ट. अब देखो 21, अ ट्राइंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब इन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100. तो 10 इसके रेडियस हो गए, ठीक है. बी सी 6.8 है, मान लो ये 6.8 है, ठीक है. और एक है -8.6, सपोज दिस इज -8.6, तो ये मान लो बी और ये मान लो सी, इसको मैच कर दो. ओके, तो व्हाट इज एंगल बी ए सी, तो ए क्या है अपना, ए तो कहीं पे भी हो सकता है, सपोज ये है, ये है. अगर हम इसके सेंट्रल एंगल की बात करें तो देखो ये 0.0 है, तो इसका जो स्लोप और इसका जो स्लोप है दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 है, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है. तो इसका हाफ ही होता है, दैट विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री. तो एक तो 45 आ गया, और ए अगर इधर होता है तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटर फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये कितना होना चाहिए 135. इट मीन्स एक पाई बाई फोर हो जाएगा और दूसरा 3π/4 हो जाएगा. तो थर्ड ऑप्शन इज राइट. 22, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, तो देखो ए तो कहीं पे भी हो सकता है, ये ए इस सर्कमफेरेंस पे कहीं पे भी जा सकता है, इसलिए कोई स्पेसिफिक वैल्यू अपन नहीं बोल सकते हैं. सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा, आप ले सकते हो. ए बी सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो एक ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी. तो आइसोसेलेस है मतलब ये दोनों को क्या करना है, इक्वल है ओवरऑल. तो ये क्या है 2-3 और ये क्या है 4-3 और थर्ड जो अपना वर्टेक्स है 5-1 है ना. तो ये निकालना है. तो देखो इसको x कॉमा वाई मान लो आप, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का इक्वल हो जाएगा, तो 1-y अपॉन 5-x विच विल बी इक्वल टू 3-3 0, 4-2 इज 2. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1-y कितना आ गया 0, तो y का वैल्यू कितना हो गया 1. तो इसका मतलब ये जो है x कॉमा 1 आ गया. अब देखो ये और ये दोनों सेम लेंथ का है तो उससे अपना x निकल जाएगा, तो अपना थर्ड वर्टेक्स निकल जाएगा, दैट विल बी c. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम, देखो जब थर्ड वर्टेक्स निकल जाएगा अपना तो ये डायगोनल निकाल लेंगे और ये निकाल लेंगे. इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 पॉइंट है, तो लाइन का इक्वेशन लिख देंगे 1-y1 इक्वल टू m इंटू x-x1, ठीक है. इसका यूज कर लेंगे तो 24 का जो अपना हो जाएगा सेकेंड आ जाएगा. 25 देखो दिस इज बी स्फीयर, तो देखो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसलिए 2 से 2 कॉमन ले लो और उसे डिवाइड कर दो. 3/2x 3/2y प्लस 3/2z -3 इक्वल टू 0. अब आपको निकालना है क्या है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्पेस. तो रेडियस के लिए अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी करके, तो इससे रेडियस निकल जाएगा, इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो कौन सा आ जाएगा अपना सेकेंड. 26, द सेंटर ऑफ द स्फीयर लाई ऑन द प्लेन, आप जो ये सेंटर निकाले हो है ना, अच्छा सेंटर, इसमें सेंटर निकाल लो तो कितना आ जाएगा -3/4 -3/4 and -3/4. अब बोल रहा है कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो 26 में जो है ना आप देखो इसको यहाँ पे आप -3/4 -3/4 अप्लाई करो, ये सेटिस्फाई कर जाएगा. ओके, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर. लेट एस बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन दिस एंड दिस, देखो दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करता है ठीक है तो एक लाइन फॉर्म होता है. तो लाइन के परपेंडिकुलर जो इस दोनों प्लेन का नॉर्मल है, इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल, ये दोनों के दोनों इस गिवन जो इंटरसेक्शन लाइन है उसके परपेंडिकुलर होता है. तो सपोज कर लो ए बी सी क्या है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, तो इट मीन्स इसका नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो है पहले प्लेन का क्या है 1-1-1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो कॉरेस्पॉन्डिंग ए प्लस बी प्लस सी, वो किसके इक्वल होगा 0,
और सेकंड में A1 B1 C1 ये और T1 C2 को ABC ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अपना 2A प्लस 3B माइनस 4C इक्वल टू 0। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो मेथड, तो जो भी डिनोमिनेटर में आएगा ठीक है दैट विल बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन दैट इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो क्या जाएगा अपना सेकंड। 28 LM and R द डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ S देन व्हाट इज दिस। देखो जब डायरेक्शन रेशियो अपने को पता चल गया है जैसे मान लो A तो उसका डायरेक्शन क्वेश्चन क्या होता है A square plus B square plus C square, ठीक है इसको L मान लो B वाले को M मान लो और C वाले को N मान लो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे अपना रिजल्ट आ जाएगा 6 ठीक है। 29 देखो consider the following for the two items that follow, let this be a line and this be a plane, तो देखो ये दो लाइन दिया है कुछ इस तरह से, तो ये तो आपको दिखने में लग रहा है प्लेन है, तो इट मीन्स द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ठीक है। तो सेम बात है जो रिक्वायर्ड लाइन है उसको हम ए बी सी उसका डायरेक्शन रेशियो मान लेंगे ठीक, और ए बी सी को इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो से मल्टीप्लाई करके जीरो कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा जीरो, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2A माइनस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, तो इसके डायरेक्शन रेशियो जो आएंगे अपने थर्ड आएंगे। 30 व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल एंड पी, तो देखो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ना सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो उस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो डायरेक्टली आप फोर्थ ऑप्शन कर सकते थे। 31 लेट एक्स बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, तो देखो दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के लिए अगर हम बात करते हैं एम क्रॉस एन का ये है तो इसका मल्टीप्लीकेशन तभी हो सकता है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा, अब एन क्रॉस पी होगा ठीक है, तो एक्स वाई का जो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो क्या होगा एम क्रॉस पी, बस इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है तो इसमें क्या हो जाएंगे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑल आर राइट। 32 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द सेट ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन दिस इज इनफाइनाइट, सही है दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर लेस देन 1000 से पहले, ऑड इंटीजर की बात किया है यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर की तो बात किया नहीं है, सो इज अ फाइनाइट सेट ठीक है द सेट ऑफ ऑल, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, तो इट मीन्स फर्स्ट आंसर इज राइट। 33 हाउ मैनी फोर डिजिट नंबर आर हैविंग दे आर हैविंग ऑल डिजिट एज ऑड, तो ऑड कौन कौन से डिजिट हैं 1, 3, 5, 7, 9 ठीक है फोर डिजिट का बनाना है अपने को नंबर, अपने को रिपीटेशन की बात वैसा कुछ कहा है नहीं जो विदाउट रिपीटेशन, तो रिपीटेशन विल बी अलाउड, सो 5, 5, 5, 5 डेट विल बी 5 to the power 4 विच इज इक्वल टू 6 to 5। 33, 34 देखो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आपको जस्ट अप्लाई करना है जीरो, अब वन प्लस ओमेगा की जरूरत है तो वन प्लस ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ठीक है इसके पावर 100 लिख देंगे, और फिर वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, पहले से एक माइनस ओमेगा है पावर में 100 लिख देंगे ठीक है, जस्ट इसको सॉल्व कर लेना है आपके आंसर आ जाएंगे फोर्थ। 35 लेट ए बी ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इफ ए बी इज नल मैट्रिक्स देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर नल मैट्रिक्स, तो ये गलत हो गया, रीजन इज क्या जब दो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं भी होता है तब भी उसका मल्टीप्लीकेशन जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होता है, इधर ए और बी इज नल जीरो ये भी जरूरी नहीं है, ए और बी जब जरूर ये जीरो नहीं भी होता है तब भी उसका मल्टीप्लीकेशन जीरो है, तो बी इज ए नल मैट्रिक्स इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ उसके डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है, उस कंडीशन में बी नल मैट्रिक्स होने जरूरी है, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं थर्ड ऑप्शन इज राइट। 36 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इज 35, देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देते हैं पी प्लस क्यू ठीक है, अपने को निकालना क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, तो पी प्लस क्यू 3 करेंगे तभी तो क्यू आएगा ठीक है, मीन्स पी प्लस क्यू सी 3 है ना इक्वल टू 35 ठीक है, इसको 3 टाइम्स रिड्यूस कर दो पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू माइनस 1, पी प्लस क्यू माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा 6, तो 35 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू
फाइव और उसको हम पहले लिखते हैं सिक्स को फिर फाइव, कंपेयर कर देंगे पी प्लस क्यू कितने के इक्वल आ जाएगा, सेवन के इक्वल आ जाएगा 37। ए पी टाइम्स द पी एथ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू क्यू टाइम्स द क्यू एथ टर्म, जस्ट बेसिक फॉर्मूला है पी टाइम्स द पी एथ टर्म इज इक्वल टू क्यू टाइम्स द क्यू एथ टर्म, जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, अपने को पी प्लस क्यू एथ टर्म निकालना है तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा अपना पी प्लस क्यू माइनस वन इन टू डी। इस रिजल्ट का, इसके रिलेशन का इसमें आपको यूज कर लेना, रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका जीरो। क्वेश्चन नंबर 38, लेट पी इज एल एन एक्स, पी इज एल एन एक्स, क्यू इज एल एन एक्स क्यू है ठीक है, तो थ्री एल एन एक्स लिख सकते हैं, आर इज फाइव एल एन एक्स लिख सकते हैं ठीक है, वेयर एक्स ग्रेटर देन वन। देखो वन पे वैसे भी जीरो होता रहता है लेकिन अपने को वन से बड़ा लेना है, तो पी क्यू आर इन ए पी तो है एंड पी क्यू आर कैन नेवर बी इन जी पी, तो बहुत फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। 38 देखो इसका डायरेक्टली अपने को डिटर्मिनेंट निकालना है, अपने को याद रखना है आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन यूज करना है ठीक है, कंपेयर करके और मॉड ले लेना है ठीक है, तो इसके आंसर जो आ जाएंगे आपके बी आ जाएंगे। 40 समेशन ऑफ एन इक्वल टू वन टू 20, देखो इस दोनों में आई के पावर एन माइनस वन कॉमन ले लो, तो ये बचा वन और ये क्या बचेगा आई स्क्वायर ठीक है, और आई के पावर एन को आप रहने दो, तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया माइनस वन, ये तो कैंसिल होकर जीरो ही हो गया, तो आई के पावर एन आ गया, तो वन से चालू करो आई आई स्क्वायर आई क्यू आई फोर, तो चार चार का जो पेयर बनेगा तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा जीरो, तो ओवर कितने बनेंगे 20, तो फाइव पेयर बनेंगे। 41 कंसीडर द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इरेशनल, देखो ये इरेशनल होगा ये इरेशनल, इसको सॉल्व करेंगे तो रेशनल हो जाएगा, तो ओनली टू इज द राइट आंसर। 42 देखो इसको कोई कॉन्स्टेंट के मान लो, तो एक्स इक्वल टू के कॉस थीटा, वाई इक्वल टू के इंटू कॉस ऑफ टू पाई बाई थ्री माइनस थीटा, एंड जेड इक्वल टू के इंटू कॉस ऑफ टू पाई बाई थ्री प्लस थीटा, बस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको निकालनी है के कॉमन लेके इसका, तो यहाँ पे कॉस ए माइनस भी यहाँ पे कॉस ए प्लस भी आपको अप्लाई कर देना है, सभी कैंसिल हो जाएंगे दैट विल इक्वल्स टू जीरो। 43 देखो पी टेन ऑफ थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू क्यू टेन ऑफ थीटा प्लस 120 ठीक है, यहाँ पे क्यू को नीचे ले आओ ओके, एंड पी को यहाँ पे क्या बच जाएगा टेन थीटा प्लस 120 और टेन थीटा माइनस 30, यहाँ पे आप कंपोनेंटो डिविडेंटो लगा दो, रिजल्ट क्या आ जाएगा टू कॉस टू थ्री, जस्ट आपको सॉल्व करना है कंपोनेंटो डिविडेंटो लगा के। 44 लेट पी एंड क्यू बी टू नॉन वाइड रिलेशन ऑन सेट ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देखो पी एंड क्यू आर रिफ्लेक्सिव देन पी इंटरसेक्शन क्यू इज रिफ्लेक्सिव, देखो पी एंड क्यू आर रिफ्लेक्सिव, पी रिफ्लेक्सिव है और पी का एलिमेंट जो होगा सेट ए से होगा, तो इसका मतलब सेट के जब जितने भी एलिमेंट है सब खुद से रिलेटेड होगा तब तो पी रिफ्लेक्सिव होगा, तो पी और क्यू जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो जो एलिमेंट है सेट ए का वो सभी के सभी खुद से रिलेट हो रहेंगे, इसलिए पी इंटरसेक्शन क्यू भी रिफ्लेक्सिव होगा, पी एंड क्यू सिमेट्रिक होगा ये भी सही है, और पी एंड क्यू ये ट्रांजिटिव नहीं होगा ठीक है, तो अपना फर्स्ट एंड सेकेंड पेयर बनेंगे। देखो ट्रांजिटिव के लिए अपन क्या लेते हैं, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए मस्ट बी रिलेटेड टू सी, आपको पेयर बना करके चेक कर लेना है। 45 इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी शेड्स हैविंग 10 एलिमेंट इन कॉमन, देखो ए में भी 10 एलिमेंट जो है वही 10 एलिमेंट बी में है ठीक है, तो ए क्रॉस बी में 10 इंटू 10 टोटल 100 बनेंगे एलिमेंट, और बी क्रॉस ए है उसमें भी 100 एलिमेंट वो बनेंगे जो कॉमन होंगे, बाकी तो जो बने वो तो एक्स्ट्रा है ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन है, तो कितने हो जाएंगे 100। 46 व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर n माइनस 6n इज डिविजिबल बाय 36 फॉर n इक्वल टू 100, देखो n इक्वल टू 100 है तो 7 को अपन लिख देंगे 6 प्लस 1 टू द पावर 100 ठीक है, माइनस 6n, इसको n ही रहने दो अभी ठीक है, माइनस 6n, अब यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर लेंगे ओके, तो इसके रिजल्ट निकल के आ जाएंगे आपके सेकंड, 6n कैंसिल हो जाता है,
47. What is the maximum number of possible point of intersection of four straight line and a circle? ठीक है, in between line as well as circle. Okay, तो देखो कोई लाइन है, सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? दो मैक्सिमम. तो टोटल फोर लाइन है, तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? एट. अब वो लाइन आपस में कितने पॉइंट पे मैक्सिमम इंटरसेक्ट कर रहा है? तो देखो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक पॉइंट, तीन लाइन जैसे इंटरसेक्ट करेगा तो थ्री, और फोर लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो कितना हो जाएगा ओवरऑल? सिक्स. तो सिक्स प्लस एट कितने हो जाएंगे आपके? फोर्टीन हो जाएंगे. 48. इन एन एपी द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म. तो एस पी अपॉन एस क्यू इक्वल टू कितना दिया है? पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर. तो एस पी का फॉर्मूला लगा देंगे अपन, पी बाय टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी अपॉन क्यू बाय टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी विच विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर. तो इससे स्क्वायर से ये पी क्यू कैंसिल, टू से टू कैंसिल, अब ए और डी में रिलेशन आ जाएगा. ठीक है, तो फिर अपन देखेंगे द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू ट्वाइस द फर्स्ट टर्म, मीन्स डी किसके इक्वल हो जाएगा? टू ए के इक्वल हो जाएगा. 49. व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन? देखो डायरेक्टली आप इसका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस टू एक्स प्लस वन, फिर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, फिर एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू जीरो. सबको जोड़ करके आपको रूट देखने हैं, तो इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे. 50. इन अ क्लास ऑफ 240 स्टूडेंट 180 पास्ड इन इंग्लिश. तो इंग्लिश के लिए वेन डायग्राम बना लो, 130 पास्ड इन हिंदी, ये हिंदी के लिए, एंड 150 पास्ड इन संस्कृत, संस्कृत में 150. फर्दर 60 पास्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट. तो देखो इसको आपको क्या करने हैं, ए बी सी डी ई एफ जी ये नोमेनक्लेचर करना है. ठीक है, अब बोला है 60 पास्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हो गया? ए प्लस जी प्लस एफ ये किसके इक्वल हो गया? 60. 110 पास्ड इन ओनली टू सब्जेक्ट, इसका मतलब ओनली टू मतलब कौन सा है? ये तीन हो गया. तो बी प्लस डी प्लस ई ये कितना हो गया? 110. 10 पास्ड इन नन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब टोटल कितने हैं? 240. इसका मतलब इसके अंदर में जो भी होगा उसका सम कितना होगा? ए बी ए से लेकर के टोटल का सम कितना होगा? 240 माइनस 10 दैट इज 230. इसको यूज करके अपने को सॉल्व करने हैं. तो अपने से पूछ रहा है हाउ मेनी पास्ट इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट, मीन्स अपने को क्या निकालना है? सी इसी इक्वेशन का यूज करके अपन निकालेंगे, जो वेन डायग्राम है उससे सबसे इजीली अपन इस क्वेश्चन को रिजॉल्व कर सकते हैं. तो इसके जो आंसर आ जाएंगे, फर्स्ट लेट एक्स आई इज दिस, इफ एम इज द मीन एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस. तो देखो वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, वो कितना है? 9 माइनस मीन का स्क्वायर. ठीक है, तो इसका वैल्यू अपने को पता है, मीन को m और इसको इधर भेज दो, तो सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? m स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 9. तो सिग्मा स्क्वायर यही तो वैल्यू पता है, अपने को निकालना है, और इसकी वैल्यू क्या है अपने को गिवन है, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा? 95. 52. द मीन ऑफ द सीरीज दिस इफ एक्स एन इज रिप्लेस्ड बाय के. तो सिंपल सी बात है, जो इसका मीन है वो एक्स बार है, ठीक है, और एक्स एन को रिप्लेस कर रहे के से. ओके, तो एक्स एन को अपन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ओवरऑल, और के को क्या कर देंगे? एड, इतना ही फर्क पड़ना पड़ता है. और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने? एन. तो एन एक्स बार क्या देगा? टोटल सम ऑफ द सीरीज बस अपॉन क्या कर देंगे? एन. तो रिजल्ट कितना आ जाएगा अपना? फोर्थ ऑप्शन. 53. अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड टिल टू हेड अकर इन सक्सेशन, मतलब दो हेड आना चाहिए, तो या तो दो बार पहली टू टाइम्स में भी हेड आ जाए, तो या ऐसे आ जाए. अब बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड इज लेस देन 6, 6 से कम होना चाहिए. तो ये 3 टाइम्स फेंक चुके हैं अपन, अब ऐसा हो सकता है 4 टाइम्स हो गया, अब क्या हो सकता है? ऐसा बस इसमें अपने को प्रायोरिटी लिखना है, 1/2 1/2. तो 1/2 का होल ये कितना हो जाएगा ओवरऑल? 1/2 का स्क्वायर, ये 1/2 का क्यूब. ओके, क्योंकि इस दोनों की प्रायोरिटी तो सेम ही है, इस तरह से सबको आपको ऐड करना है, तो रिजल्ट आ जाएंगे 15/32. 54. अर्न ए कंटेंट टू वाइट बॉल है एंड टू ब्लैक बॉल, वाइल अर्न बी कंटेंट 3 वाइट बॉल
and two black ball. One ball is transferred from an A to B and then a ball is drawn out of an B. What is the probability that the ball is white? The देखो जब अपन यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं ए से बी में तो पहला कैसे हो सकता है व्हाइट ट्रांसफर हो तब क्या प्रोबेबिलिटी है उसको यहाँ लिखेंगे प्लस अगर ब्लैक ट्रांसफर हो तब क्या प्रोबेबिलिटी है व्हाइट निकलने की उसको यहाँ इस दोनों को क्या कर देंगे ऐड तो रिजल्ट क्या आ जाएगा अपना सेकंड 55 फॉर टू इवेंट ए एंड बी पी ए बाई बी देखो इसमें आपको जस्ट ये यूज कर लेना है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी पी ए बाई बी दिया हुआ है पी ए इंटरसेक्शन बी भी अपने को और पी बी में एक इक्वेशन आ जाएगा फिर पी बी बाई ए यहाँ पता है पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन क्या हो जाएगा पी ए ठीक है तो पी बी बाई ए का वैल्यू अपने को पता है पी ए का वैल्यू पता है पी बी इंटरसेक्शन ए पता है इसको इसमें पुट कर देंगे अब देखो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होना चाहिए पी ए इंटू पी बी बस इसको चेक कर लेना है तो आप देखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड यही दो सही है ये कॉम्प्लीमेंट वाला गलत हो जाएगा ठीक है इसके लिए आप सीधा सॉल्व कर लो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब क्या हुआ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ठीक है 56. Two perfect dice are thrown. What is the probability that the sum of the number on the face is neither 9 or 10? तो अपन सोच लेते हैं जो 9 हो और 10 हो उसके क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं तो ये 4 हो ये 6 हो तब 10 आएगा ठीक है और ये 6 है ये 4 है तब भी 10 आएगा और क्या हो सकता है 10 के लिए तो कर लिए फिर 9 के लिए अपने को देखना है एक 5 हो सकता है 4 हो सकता है फोर हो सकता है फाइव हो सकता है थ्री हो सकता है सिक्स हो सकता है सिक्स हो सकता है थ्री हो सकता है और टेन के लिए एक और कॉम्बिनेशन फाइव फाइव हो गया तो टोटल कितने हो गए फोर थ्री सेवन तो वन माइनस सेवन बाई 36 कर देंगे विच विल बी 29 बाई 36 57 द अकरेंस ऑफ ए डिजीज इन एन इंडस्ट्री इज सच दैट द वर्कर्स हैव 20% डिजीज का होने की प्रायोरिटी कितना है 20% दैट इज 20 बाई 100 तो ना होने के कितना हो जाएगा 80 अपॉन 100 ठीक है सफरिंग फ्रॉम इट ओके व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ सिक्स वर्कर चूजन एट रैंडम फोर और मोर विल सफर फ्रॉम द डिजीज फोर और मोर तो देखो सिक्स सी फोर आपको निकालने हैं सिक्स सी फाइव एंड सिक्स सी सिक्स ठीक है बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट लगाना है पी के पावर फोर क्यू के पावर सिक्स माइनस फोर टू और सभी को ऐड करना है रिजल्ट आ जाएंगे आपके फर्स्ट 58 थ्री परफेक्ट डाइस आर रोल अंडर द कंडीशन that no two show the same face. What is the probability that one of the face shows is an AK1? ठीक है अब क्या करेंगे इसमें जो एक को तो अपन फिक्स कर देते हैं एक एक को वन को ठीक है और रिमेनिंग पांच में से दो को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको अरेंज कर देते हैं ठीक है उसके बाद सिक्स में से कितने को सेलेक्ट करना पड़ेगा थ्री इसको आपको सॉल्व कर लेना रिजल्ट कितना आ जाएगा वन बाय टू 59. Three perfect dice D1, D2, D3 are rolled. Let X, Y, Z, Z represent the number of D1, D2, D3 respectively. What is the number of possible outcomes such that X less than Y less than Z? तो सिंपल सी बात है देखो एक डाइस में टोटल नंबर कितने होते हैं सिक्स उसमें से थ्री सेलेक्ट करेंगे ठीक है तो उसमें तीनों डिफरेंट होंगे तो उसमें जो छोटे होंगे उसके X मान लेंगे बीच वाले को Y और जो सबसे बड़ा होगा उसको क्या मान लेंगे Z. तो सिक्स से थ्री विल बी द रिक्वायर्ड सिंपल स्पेस है ना और यू कैन से द आउटकम तो सिक्स सी थ्री को सॉल्व कर लेंगे सिक्स फाइव फोर वन टू एंड थ्री ये टू थ्री सिक्स हो गया फाइव फोर जा 20 हो गया क्वेश्चन नंबर 60 है इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीन इज सिक्स तो देखो एनपी इसको क्या बोलते हैं मीन और एनपी क्यू को क्या बोलते हैं वेरियंस दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इसका यूज कर लेना है अपने को डियर पी प्लस क्यू का वैल्यू अपन वन जानते हैं देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पैरामीटर एन एनपी यहाँ से आप निकाल लेंगे फोर्थ आ जाएगा तो डियर रिमेनिंग 60 क्वेश्चन हमारे ताकर सर कराएंगे थैंक यू हेलो बच्चों वेलकम मायसेल्फ प्रदीप ताकर टीम मैथमेटिक्स सेल्स सीकर आज बच्चों आपका एनडी सेकंड जो अटेम्प्ट बच्चों हुआ सेप्टेम्बर वाला ना आज बच्चों कंप्लीट हुआ है और पेपर बच्चों बिल्कुल बैलेंस पेपर था ठीक है बहुत बच्चों ना आपके पास टू द पॉइंट बच्चों आपके पास सवाल थे इसमें है ना बेटा अपन चलो स्टार्ट करते हैं इसको पहला बच्चों मेरे पास सवाल है ये है ना बेटा सबसे पहले आप इसको जानते हो बच्चों ये तुम्हारे पास क्या भी आप इसको बच्चों लिखोगे ना एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू अब बच्चों वे भी ग्राफ इसे बनाओगे तो माइनस वन प्लस टू ओके तो बेटा ग्राफ तुम्हारे पास ही बन गया
ओके। अब इंडिकेशन मेरे पास है 0 से 2, तो बच्चों 0 से 2 आपके पास यहीं पे आएगा, सो इट विल बिकम 0 to 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2 और डीएक्स, ठीक है। तो बच्चों इसको अटेम्प्ट करने पे तुम्हारे पास सवाल का आंसर डी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, वही सवाल है आपके पास, तो बच्चों वही है ना, 1 से लेकर 0 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस का 2 डीएक्स प्लस, सॉरी है ना, 1 से लेके 2 पहले, फिर 2 से लेके 3, और बच्चों 2 से 3 में आपके पास fx पॉजिटिव रहेगा, सो डायरेक्टली है ना ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2 और dx। अब बच्चों इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आपके पास सवाल का आंसर बच्चों 3 आएगा, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट मेरे पास क्या, अभी आपके पास बच्चों पूछा गया एफ ऑफ एक्स एक फलन दिया बेटा, और एफ ऑफ टी बच्चों जी ऑफ टी आपके पास फंक्शन दिया भी, ठीक है ना। तो आप जानते हो बच्चों ये सीधा आपके पास ऑड फंक्शन होता ही है, ये बच्चों एफ ऑफ टेन भी क्या ऑड फंक्शन है, इनसाइड वाला ये बच्चों क्या अभी ऑड फंक्शन है बच्चों, तो दोनों फंक्शन एफ और जी दोनों क्या हो जाएंगे बोलो भाई, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड विल बी ऑड। नेक्स्ट मेरे पास क्या है बच्चों, ओड फंक्शन है तो उसका इंडिकेशन माइनस पाई से पाई बच्चों 0 जाएगा, तो बिल विद आंसर। नेक्स्ट, अच्छा बच्चों ये आसान सवाल है आपके पास है ना, आप बच्चों इसको क्या करना भी, फर्स्ट हमसे बच्चों पूछा हुआ है कि एच डैश 0 क्या आएगा, तो अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो एच डैश एक्स हमारे पास यहां से बनेगा, इसको पहले एक्स मान लेंगे अपन, तो एफ डैश ट्वाइस एफ एक्स प्लस का 2 इंटू, अब इसका कर दो भाई, तो ट्वाइस एफ डैश एक्स, ओके। अब तुम्हें फाइंड करना एच डैश 0 क्या, तो बच्चों एच डैश 0 तुम्हारे पास यहां से बनेगा एफ डैश, और एफ ऑफ 0 मेरे पास क्या है, एफ ऑफ 0 बच्चों माइनस 1 है तो ये बनेगा 0 इंटू ट्वाइस एफ डैश 0। अब एफ डैश मेरे पास क्या बोलो बेटा, 1 है, 1 इंटू 2 इंटू एफ डैश मेरे पास क्या बोलो भाई, एफ डैश 0 बच्चों मेरे पास 1 अभी है ना, तो सवाल का बच्चों कंप्लीट हो गया, आंसर बनेगा डी, ओके। नेक्स्ट एक कुछ इसी टाइप से आप इसको निकाल लोगे भी जी डैश, क्या आपके पास ये रहा भी, ये बच्चों फंक्शन दे रखा भी, आप इसका डेरिवेटिव कर दो, तो जी डैश एक्स विल बी ट्वाइस एच एक्स इंटू एच डैश एक्स, अब बच्चों 0 रख दो यहाँ पे, तो ट्वाइस एच ऑफ 0 इंटू एच डैश 0 भी है ना बच्चों, एच डैश 0 तो मैंने पहले से ऐसे फाइंड कर रखा भी है ना, ये 2 था, 2 इंटू 2 इंटू एच ऑफ 0 बच्चों निकाल लेंगे, एच ऑफ 0 अपन कहाँ से फाइंड करेंगे बोलो भाई, यहाँ से फाइंड करेंगे बच्चों, एक्स को मैंने 0 रखा, तो एफ ओ 0 मेरे पास क्या माइनस 1 है, तो ये माइनस 1, तो ये एफ ओ 0 बच्चों बन गया, एफ ओ 0 मेरे पास क्या बोलो भाई माइनस 1 बच्चों, तो माइनस का 4 विल बी द आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास माइनस 4 हो जाएगा, सही ना, सिंपल सिंपल बेटा सवाल है, बिल्कुल छोटा छोटा सवाल है। नेक्स्ट, ये बच्चों आपका इंडिकेशन था अभी, तो इंडिकेशन को बेटा फाइंड कर लो आप, पहले यहां पे तुम्हारे पास क्या बनेगा 0 से लेके पाई बाय 2, और मेरे पास है डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस का कोस एक्स प्लस का 1 है ना, आप इसको हाफ एंगल में चेंज कर लेंगे आप, तो तुम्हारे पास सवाल का आंसर ln2 आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों मेरे पास आपके पास है कि बच्चों आई किसके बराबर है ना, आई बच्चों मेरे पास ये इंडिकेशन था अभी, तो आप इसको बच्चों फाइंड कर लोगे आप 0 से लेके पाई बाय 2, एफ एक्स का मेरे पास भी एफ एक्स बच्चों मेरे पास साइन एक्स है, तो साइन एक्स अपॉन जी एक्स का साइन एक्स प्लस का कोस एक्स प्लस का 1 बच्चों, इस प्रॉपर्टी 4 इसमें लगा दें आप, प्रॉपर्टी 4 से क्या बनेगा, ये कोस एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस का कोस एक्स प्लस 1, अब बच्चों इसको एडअप कर दें आप, तो 0 से लेके पाई बाय 2 साइन एक्स प्लस का कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस का कोस एक्स प्लस का बच्चों 1 भी है ना बेटा, इसमें एक ऐड कर दो बच्चों, एक माइनस कर दो, इसको बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा बोलो भी, ये बच्चों तुम्हारे पास बन जाएगा भी पाई बाय 2, और माइनस बच्चों इसको आपने फाइंड कर लिया ln2 भी, डिवाइड बच्चों कर दो, तो पाई बाय 4 माइनस का 1/12 ln2 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पाई बाय 4 ये किसमें दिया बेटा, इसमें दिया, ठीक है सही। नेक्स्ट देखो भी 69 बच्चों देखिएगा, 69 वाला सवाल, ये सवाल बढ़िया सवाल था आपके पास है ना, इसको मुझे क्या करना भी, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2 अपॉन, आप बच्चों इसमें कर दें आप रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो ये बनेगा ट्वाइस, इसको डिवाइड कर दें आप है ना, इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डी एक्स माइनस, ये बच्चों तो अनुपात जाएगा बेना ट्वाइस डी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ओके भी ठीक है ना। अब चाहिए तुम्हारे पास इंडिकेशन का बेटा फॉर्मूला लगा दो इसमें आप, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर बाई प्लस 1 है ना, और माइनस का 1/2 एलन, ये बनेगा एक्स प्लस का रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों है ना।
ओके भाई। और ये बच्चों मेरे पास क्या बनेगा बोलो भाई, माइनस का ट्वाइस एल एन वो ही बनेगा अभी, एक्स प्लस का रूट ओवर वन प्लस का एक्स स्क्वायर बच्चों, ठीक है। आप बच्चों यहां से देख सकते हो भी, तुम्हारे पास यू एक्स क्या बन गया बोलो भाई, मेरे पास यू एक्स बच्चों मेरे पास यहां से आ गया भी एक्स आ गया, और वी एक्स मेरे पास यहां से क्या बन गया बोलो भाई, रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों आ गया ना। तो आपके पास ये सवाल का बच्चों आंसर आएगा, बना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास वो ये भी है ना, यू एक्स इंटू वी एक्स आप करेंगे भी तो एक्स इंटू रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर भी, अब बच्चों इनसाइड लेके आपको है ना, तो एक्स पावर ये बन जाएगा आपके पास कौन सा, यानी ये बन जाएगा फर्स्ट, इनसाइड लेके जाओ ना, एक्स की पावर टू अंदर जाएगा भाई। नेक्स्ट बच्चों आ जाओ भाई, एक्स वाई जेड बच्चों जी पी में, तो लोग लेने पे वो ए पी बन जाएगी बच्चों है ना, तो ये ए पी बच्चों आ गई, ऐड करने से बच्चों फिर से ए पी, रेसिप्रोकल एंड से बच्चों क्या बन जाएगा, अच्छी बन जाएगी, सी आंसर हो गया, ठीक है ना, सही है। नेक्स्ट पर जाओ भाई, ये बच्चों तुम्हारे पास क्या ओमेगा है, अब तो जोड़ दो उसको भी, कॉलम वन में क्या कर दो, सी वन प्लस का सी टू प्लस का सी थ्री एडअप कर दो, तो तुम्हारे पास है ना ये ट्वाइस बन जाएगा भी, ट्वाइस है ना ब्रैकेट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो जीरो बनेगा, आगे वाला भी जीरो, और ये बच्चों क्या बन जाएगा जीरो, तो तुम्हारे पास सवाल का आंसर सीधा क्या बन जाएगा, जीरो आ जाएगा साहब, ठीक है। नेक्स्ट पर जाओ, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सीरीज भी है ना बच्चों, ऐसा आपको दे रखा भाई एन इंटू टू एन प्लस का वन, तो व्हाट इज द एन टर्म भी है ना, तो चाहे कि इसमें एक सीधा हम निकाल लो भाई, एस वन इसका क्या बनेगा बताओ भाई, तीन बनेगा भी है ना। तो बच्चों एन वा टर्म निकालने के लिए अपन बोल सकते हैं भाई कि पहला टाइम मेरे पास क्या थ्री बच्चों आना चाहिए, तो थ्री बेटा इससे भी नहीं आ सकता भी, इससे भी नहीं आएगा बच्चों, इससे भी नहीं आएगा सॉरी है ना, इससे भी नहीं बेटा, तो ये फर्स्ट ही आएगा भाई, केवल एन को बच्चों वन रखा तो तीन बेटा फर्स्ट टर्म से आया, तो बच्चों फर्स्ट टर्म डायरेक्टली आप बोल सकते हो भी है ना, तो ऐसे टाइप का सवाल होगा, वैसे टैकल कर लिया करो। अगला सवाल बच्चों पी एंड सी का सवाल है, ये बीजी सवाल था, क्या बोलो भाई, ये बच्चों लेटर आपके पास ये है ना, ये लेटर है, कैन बी परमुटेड है ना, सो दैट इच कॉम्बिनेशन है ना वोवेल्स शुड ऑक्यूपाई ओड पोजिशन बेटा है ना, तो इसमें क्या क्या लेटर्स हैं, आई है और ए है, एन है बच्चों डी है ना, वोवेल्स शुड ऑक्यूपाई ओड पोजिशन क्या, तो बच्चों देखो भाई अपन इसमें क्या कर सकते हैं बताओ भाई, कि बच्चों ये फिक्स होगा अभी ओड बच्चों लोकेशन पे ही तभी आएगा जब बच्चों यहाँ फर्स्ट पे ये हो और बीच में बेटा आपके पास क्या होगी कॉन्सोनेंट्स आ जाएगी है ना, तो इसको अरेंज करने का तरीका थ्री फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, इसको बच्चों अरेंज करने का तरीका इनके बीच में दो फैक्टोरियल है ना, तो छह आंसर आ गया, सिक्स विद आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है बेटा इसमें सिंपल ही है, वोवेल्स कॉन्सोनेंट को साथ साथ करना आपको भी, ठीक है, तो ई ए है, यू भी है, आई भी है, वो भी बच्चों है ना, इसको अरेंज कर लिया मैंने, और बाकी इसमें क्या क्या बच गया अभी, क्यू है, टी है और एन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है ना। अब बच्चों आपके पास क्या अभी, इनको साथ साथ करना अभी, तो इसको अरेंज करने का तरीका फाइव फैक्टोरियल, इसको अरेंज करने का तरीका बच्चों फोर फैक्टोरियल, अब बच्चों आपस में इंट्रा परमिटेशन भी हो सकता है इनका, तो इंटू टू फैक्टोरियल बच्चों है ना, इसको इंटू करेंगे तुम्हारे पास सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस एम प्लस एन, तो बच्चों एम किसका बोल लो भाई, एन इसका रूट है क्या, तो एन स्क्वायर प्लस का पी एन प्लस का एम विल बी जीरो, और इसका मेरे पास रूट क्या भाई, एम है, तो एम स्क्वायर प्लस का पी एम प्लस का एन इक्वल टू जीरो, अब बच्चों दोनों माइनस कर दें आप, तो ये बनेगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस पी कॉमन एन माइनस का एम प्लस एम माइनस का एन इक्वल टू जीरो। ओके भाई, आपसे बच्चों पूछा भी कि p प्लस एम प्लस एन का बच्चों यहाँ से वैल्यू क्या बनेगा भी है ना, मेरे पास क्या है p स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस का पी एन प्लस एम इक्वल टू जीरो और m स्क्वायर प्लस का पी एम प्लस एन इक्वल टू जीरो भी है ना, माइनस बच्चों मैंने किया तो ये बन गया, ठीक है ना। अब बच्चों ये मेरे पास यहाँ से बन जाएगा भी एन माइनस एम इंटू एन प्लस एम प्लस पी इंटू एन माइनस एम और प्लस एम माइनस का एन इक्वल टू जीरो। ओके भाई सही है। अब बच्चों मैं यहाँ से देखो भैया ना, अब बच्चों मैं यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकता हूँ बोलो भाई, ये बच्चों मैं n माइनस का मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूंगा, तो मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा अभी n प्लस एम प्लस का p और ये माइनस में बच्चों आगे जाके आपके पास एक बन जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर सवाल क्या बनेगा अभी बच्चों, सी विल बी द आंसर, ठीक है सी हो जाएगा। ओके सही है। नेक्स्ट पर जाओ बेटा 77 पे जाओ बच्चों, एन आपके पास क्या बोलो भाई, इन हाउ मेनी वेज एक है ना, इन हाउ मेनी वेज यहाँ पे बी आएगा शायद है ना, अच्छा हाउ मेनी वेज स्टूडेंट कैन चूज, एक मिनट रुको तुम इसको सवाल को देखता हूँ, मेरे को
हाँ, इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज एन माइनस टू कोर्सेस आउट ऑफ एन कोर्सेस यहाँ पे ना, आउट ऑफ एन कोर्सेस इफ टू कोर्सेस आर कंपल्सरी भी। तो बच्चों एन में से तुम्हारे पास क्या, बोलो भाई, दो तो कंपल्सरी है तो एन माइनस टू हो सके। अब उनमें से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई, एन माइनस फोर छाट लो यहाँ से भी ना, तो बच्चों आपके पास वेज हो जाएगा एन माइनस टू सी एन माइनस का फोर बच्चों ना, इसको आप फाइंड करेंगे बेटा आपके पास ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको लगा दें कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट अब देखो भाई, आप बच्चों डीएन को यहां से क्या बोल सकते हो बताओ भाई, डीएन मेरे पास है डिटरमिनेंट ऑफ एन एन स्क्वायर और एन क्यूब है ना, ये मेरे पास क्या बोलो भाई, 20 है 40 है और 60 है। आप बच्चों माइनस करने पे 10, ये बच्चों 10 और आपके पास ये भी क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है ना भाई। आप घटा देंगे सी थ्री में से क्या कर दो, सी थ्री माइनस सी टू कर दो भाई। अब बच्चों यहाँ पे 10 कॉमन आ गया, यहाँ से 20 कॉमन आ गया, तो डीएन मेरे पास बच्चों बन जाएगा 200 कॉमन आ गया, और ये एन एन स्क्वायर और एन क्यूब, और ये 1, 2, 3 और बच्चों यहाँ पे 1, 1 बच्चों है ना। अब बेटा आप लगा दीजिए यहाँ पे ना, हमारे पास क्या 1 से 4 तक है क्या, तो सिग्मा डीएन बच्चों मेरे पास क्या बनेगा अभी 200 टाइम्स, यहाँ बच्चों 1 से लेकर 4 तक, बच्चों 1 से लेकर 4 तक, 1 से बच्चों 4 तक, सब कुछ बच्चों कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारे पास ये माइनस का 10,000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा हाँ बच्चों पी से क्यू से इंटू करके देखो, तुम्हारे पास नल मैट्रिक्स बनेगी भी ना, 0, 0, 0, 0, 0, 0 और 0, 0 बच्चों 0, ये बेटा तुम्हारे पास क्यू पी से आएगा भी, तो दोनों मैट्रिक्स बच्चों क्या बन गए भी, नल मैट्रिक्स पी क्यू बराबर पी क्यू बच्चों है ना, तो तुम्हारे पास कौन सा आंसर होगा बोलो भाई, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा पी स्क्यू से मैट्रिक मैट्रिक्स इसका ऑर्डर 3 है बेटा, तो सीधा डिटरमाइन क्या हो जाएगा 0, तो बी आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है व्हाट इज द तुम्हारे पास इसमें अभी नल मैट्रिक्स है ना, सॉरी नल वेक्टर बच्चों, तो नल वेक्टर कब बनेगा बोलो भाई, इसको बेटा पहले आप वेक्टर निकाल लीजिए आप, ये 2, 6, 7 1 अल्फा बीटा है ना भी, आप बच्चों इसको कैलकुलेट कर लो और फिर यहां से क्या आप उन कंपेयर कर लेंगे बच्चों ना, तो मेरे पास ये 36 आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ है ना एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है ना, मैक्सिमम बच्चों, तो तुम्हारे पास क्या बोलो भाई, ये आएगा ए बी साइन थीटा, और ये बच्चों मेरे पास क्या है बोलो भाई, √3 ए बी कोस थीटा बच्चों है ना, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ए बी कॉमन आ गया, तो ये बन गया साइन थीटा प्लस का √3 कोस थीटा बच्चों। आप इसको बेटा प्योरली साइन में चेंज कर लो भी, तो 2 से बेटा डिवाइड कर दो और 2 से इसको क्या कर दो बोलो भाई, इंटू कर दो आप, तो ये बन गया तुम्हारे पास 2 ए बी, और ये बन गया साइन थीटा प्लस का पाई बाई 6। अब बच्चों साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू कब लेगा भाई, जब थीटा आपका 60 डिग्री हो, तो तुम्हारे सवाल का बच्चों आंसर क्या बन गया, डी बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ये बड़ा आपके पास इसके साथ क्या बोलो, परपेंडिकुलर है, तो ए वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर डॉट तुम्हारे पास क्या बोलो भी 5a वेक्टर माइनस का 4b वेक्टर दैट शुड बी 0, तो ये बन गया 5 माइनस का 4a डॉट b और प्लस का ये बन गया 10a डॉट b और माइनस का 8 इक्वल टू 0 भी है ना, तो बच्चों मेरे पास ये आ गया भी, ये बन गया 6a डॉट बी इक्वल टू 3b है ना बेटा, ये 1/2 आ गया। तो आप बच्चों देख सकते हो ए वेक्टर बी वेक्टर कैसे यूनिट वेक्टर्स है आपके पास, तो बच्चों आपके पास है ना, आप बोल सकते हो भाई कि ए बी कोस थीटा बराबर क्या बच्चों 1/2 है ना, तो थीटा मेरे पास बन गया पाई बाय 3 बच्चों है ना, थीटा पाई बाय 3 बच्चों बन गया, तो मेरे पास यहाँ से ये पाई बाय 3 √3 सॉरी 1/2 और ये माइनस का बच्चों 1/2, तो आंसर क्या बन गया इसका, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल सवाल है बच्चों, पेपर इस बार बहुत ही बैलेंस आया अभी। नेक्स्ट मेरे पास का 84 अभी, तो बच्चों आपके पास रेगुलर हेक्सागोन अभी, तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा अभी वेक्टर बना दो, इसका हेक्सागोन डायग्राम बना लो फटाफट, ये ए बी सी और डी ई और एफ, सही है भाई। अब बच्चों मेरे पास ये ए डी वेक्टर क्या बोलो भाई, इसका 2 हो जाएगा अभी, तो ये मेरे पास क्या बोलो भाई, एम यहाँ से 2 हो गया, और सी एफ सी एफ सी से बच्चों एफ, ये बोला का ए सी भी बच्चों, तो यहाँ पे एन तुम्हारे पास क्या है माइनस का 2 हो जाएगा बस इतना ही, तो पूछा भी एम प्लस एन, तो बच्चों एम प्लस एन सॉरी क्या पूछा आपसे यार इसमें, एम इंटू एन पूछा क्या, तो माइनस का 4 हो जाएगा भैया ना, ओके है सही है। नेक्स्ट 85 आ जाओ। आर्क सेम लेंथ बच्चों भी, तो इसका भी √2 लेंथ अभी, इसका भी लेंथ क्या √2 है बच्चों है ना, ओके, और इसका भी लेंथ क्या बताओ भाई √2 है, इसका भी लेंथ बच्चों क्या बोलो भाई √2 भी है ना, लेकिन बच्चों आपके पास इस वेक्टर का बच्चों इस वेक्टर के साथ है ना कोण बराबर आएगा, लेकिन बच्चों इसके साथ डिफरेंट आएगा भाई, तो इसका फर्स्ट केवल फर्स्ट आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे जाओ 86 पे, 86 तुम्हारे पास क्या बोलो भाई, तो मिड पॉइंट है बस आपके पास, नहीं नहीं
डायगोनल्स आपके पास ही है अभी। अच्छा बच्चों, इसकी स्लोप निकालो पहले आप, तो एक माइनस का दो इंटू वाई डैश इक्वल टू जीरो, तो वाई डैश आपके पास यहां से वन बाय टू आ गया, और इसकी स्लोप बच्चों बोलो भाई चार प्लस का दो इंटू वाई डैश इक्वल टू जीरो, तो इसके वाई डैश क्या बन गई माइनस का दो, तो स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहा बोलो भाई माइनस वन आ रहा है, तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो गए, तो तुम्हारे पास क्या बच्चों रोम्बस बनेगा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट 87 पे जाओ बेटा, ये भी इजी सवाल ही है, एक्स स्क्वायर अपॉन वन बाय टू का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक बटा तीन का स्क्वायर इक्वल टू वन बच्चों। अब बच्चों इलिप्स के भी कोई बिंदु ले लीजिए आप, है ना, ये बच्चों फोकस आपके पास का क्या बोलो भाई, फोकस बच्चों इसके पास इसके हैं फोसाई इसके क्या बताओ भाई, क्यू और आर पे, है ना बच्चों, कोई पॉइंट बच्चों पी लेंगे भी, तो पी क्यू प्लस का पी आर दैट विल बी इक्वल टू ए, तो टू इंटू व्हाट इज ए वन बाय टू ए, बच्चों आपके पास वन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इट शुड बी वन, है ना बच्चों, वन आंसर आपके पास आना चाहिए भाई, वन आएगा बच्चों, इसका आंसर बी आएगा, ठीक है ना, इसका आंसर बी होगा। यस बच्चों बी आंसर होगा इसका, ठीक है थोड़ा करेक्शन बच्चों कर लें, इसका आंसर बी आएगा, ठीक है ना, बी आंसर है इसका। नेक्स्ट आ जाओ 88 पे जाओ भी, सिंपल सवाल ही है, पी क्यू आर एस तुम्हारे पास क्या बोलो भी, एक आपके पास क्या बताओ ये पी क्यू आर एस, पी पॉइंट मेरे पास क्या 2.4 है, क्यू पॉइंट हमारे पास क्या भी 8.12 है, आर पॉइंट क्या भी 10.14 है, और एस पॉइंट बच्चों मेरे पास क्या बोलो भी एक्स को बच्चों वाई, तो डायगोनल्स के बेटा क्या बोलो भी एक ही पॉइंट पर कट करेंगे भी, तो आप बच्चों वहां से सीधा अपन क्या कर सकते हैं बताओ भाई, ये तुम्हारे पास आएगा भी एक्स प्लस का 8 अपॉन 2 विल बी 6 बच्चों आएगा ना, 6 बच्चों, तो एक्स प्लस का 8 इक्वल टू 12, तो बच्चों एक्स तुम्हारे पास 4 आएगा भी इसका, ऐसे बच्चों अपन वाई निकालें, वाई बेटा इसका 6 है, तो एक्स प्लस वाई तुम्हारे पास 10 बनेगा, ठीक है ना, ओके नेक्स्ट पर जाओ भी। अच्छा बच्चों आप देख सकते हो बच्चों ये तुम्हारे पास क्या बोलो भी एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 3, और प्लस ये आपके पास है y माइनस का 2 इंटू वाई माइनस का 4 इक्वल टू 0 बच्चों, है ना, तो बेटा ये डायमेट्रिक फॉर्म है सर्कल के भी, है ना, तो तुम्हारे पास क्या एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर्स आर 1 और 4 सही है, और 3 एंड 4 बेटा बिल्कुल ठीक है पहला, तो है ना एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर्स आर एट 1.4 एंड 3.2 बच्चों, ये भी ठीक है, दो बेटा ये गलत होगा, ठीक है ना, तुम्हारे पास कौन सा बोलो भाई, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, तो पहला आंसर सही है। नेक्स्ट बच्चों आ जाओ भाई, ये बच्चों तुम्हारे पास कुछ पैराबोला है, और बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट बच्चों यहाँ पे भी ना पी बच्चों एक, तो बेटा डायम ऑपोजिट पॉइंट्स है ना यार, तो यहाँ पे कौन क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है बी आंसर हो गया इसका, बच्चों आंसर बी आएगा भाई, ठीक है ना, ये ए नहीं है बी आंसर है, थोड़ा ठीक है ऑपरेटर बच्चों कुछ मिस्टेक कर दी, यहाँ पे बी आंसर आएगा। नेक्स्ट तो सिंपल बेटा, ये भी सवाल तुम्हारे पास सिंपल, अभी तो अपन बी एक्स वाई इसका निकालेंगे अभी, तो उसके लिए बेटा अपन बी एक्स वाई कैसे निकाले, एक्स को वहां पे वाई की पदों में लिख दो भाई, तो एक्स इक्वल टू 3y प्लस का सॉरी माइनस का 4, है ना, और बी वाई एक्स बच्चों फाइंड करने के लिए यहां पे क्या कर देंगे अपन बोलो भाई 7y बराबर 2x प्लस का 8 बच्चों, है ना, तो तुम्हारे पास बी एक्स वाई तो बच्चों इसका बन गया 3, और बी वाई एक्स बच्चों मेरे पास यहां से क्या बन गया अभी 2/7, अब बच्चों सब कुछ रख दो यहां पे, तुम्हारे पास ये बच्चों 5 इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन बच्चों, है ना, तो बच्चों इसका मीन एक्स बार क्या बनेगा बोलो भाई, ये 1, ये अगला 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर बच्चों, है ना, और अप टू लास्ट में क्या बोलो भाई एन स्क्वायर अपॉन 130 भी, है ना, ये बच्चों आप जानते हो, ये मेरे पास क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 अपॉन 6 इंटू 130 भी, है ना, ये बराबर बच्चों दिया आपको, नहीं नहीं एन ऑब्जर्वेशन है क्या एन भी सॉरी एन यहाँ पे बराबर 130 बच्चों, आप बेटा इसको कैलकुलेट कर लें, आप यहाँ से एन फाइंड कर लेंगे आप, तुम्हारे पास ये बच्चों बी का आंसर था इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ, ओके सही है ना, 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम द 1 to 10 भी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी भी दैट दे आर द कंजुगेटिव, तो बच्चों कंजुगेटिव कौन कौन से बनेंगे 1 2 3 2 3 4, ओके ना 3 4 5, ओके, और लास्ट बच्चों कंजुगेटिव नंबर क्या बन सकता है बोलो भाई 8 9 10 बच्चों, तो ऊपर 8 पेर आ गए भाई, और नीचे क्या करते हैं भाई 10 में से कोई 3 छाट लो भाई, तो ये बन गया 8 upon 10 × 9 × 8 upon 3 × 2 × 1 बच्चों, 8 से बच्चों 8 कैंसिल और 3 से बेटा ये 3, 2 से बच्चों आपके पास ये 5, तो 1/15 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, तो सवाल का आंसर बच्चों कौन सा बनेगा 1/15। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, ये भी तुम्हारे पास सिंपल ही है कि बच्चों आप यहां से क्या मान लो भाई
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले बच्चों एक्स मान लो भी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बच्चों तुम्हारे पास क्या बन गई बोलो भाई, 4x/3 बन गई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी तुम्हारे पास क्या बन गई बोलो भाई बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी तुम्हारे पास बन गई 3/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है बच्चों। प्रोबेबिलिटी बी बच्चों मैंने पहले निकाल रखी भी, वो 4x/3 आपके पास ओके है। अब बच्चों आप जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ना प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये तुम्हारे पास बच्चों 1 के बच्चों बराबर आया, तो यहां से आप एक्स निकाल लेंगे बच्चों, तो एक्स बच्चों फाइंड करने से तुम्हारे पास ये 9/16 बिल विद आंसर ठीक है। सही ना बेटा, पेपर बिल्कुल आसान है इस बार यार। नेक्स्ट, ए डाइस हैज टू फेस है ना, टू फेस विद द नंबर 4। अच्छा, 4 के बेटा 2 फेस है ना, 3 फेस विद द 5, 5 के बच्चों 3 फेस है, एंड 1 फेस किसका बोलो भाई, 6 का बच्चों 1 फेस है, तो बेटा 6 फेस हो गए डाइस के। इफ द डाइस इज रोल्ड वंस ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और 5, तो जो 4 और 5 के 5 फेस हो गए भी, तो 5/6 प्रोबेबिलिटी बन जाएगी इसकी, तो सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, ए बॉक्स कंटेन्स 2 ब्लैक 4 येलो एंड 6 व्हाइट बॉल्स, 3 बॉल्स आर है ना ड्रॉन सक्सेसफुली है ना विद द रिप्लेसमेंट बी, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर भी बच्चों, या तो आपके पास क्या भाई तीनों ब्लैक कलर के आएंगे भी, या बोलो भाई तीनों येलो कलर के आएंगे भी, या बोलो किसके आएंगे बताओ भाई, तीनों बच्चों व्हाइट कलर के आएंगे ना ओके भाई। अब बच्चों टोटल बॉल्स कितने बताओ, 12 क्या, तो पहले का बच्चों आंसर क्या बन जाएगा बोलो भाई, 2/12 × 2/12 × 2/12, क्योंकि बच्चों आप बॉल्स को रिप्लेस कर रहे हैं भी आप। नेक्स्ट में क्या है बोलो भाई, 4/12 × 4/12 कर दो भी है ना, और व्हाइट में क्या बोलो भाई, 6/12 का बच्चों 3, सबको आप एडअप कर दें बच्चों, तो तुम्हारे पास बच्चों आंसर 1/6 आएगा ठीक है ना। नेक्स्ट पर जाओ भाई, ए कैन हिट ए टारगेट है ना 5 times in 6 shots बच्चों, तो ए के बेटा जितनी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी बी, वो बन जाएगी 6/5/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बच्चों तुम्हारे पास क्या जाएगी बोलो भी 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बच्चों क्या बनेगी बताओ भी 3/5/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बहुत बच्चे वाला सवाल बेटा, बहुत सिंपल सवाल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड सी में हिट बट बी में लूज बच्चों है ना, तो तुम्हें बी को बच्चों फेल करवाना है, तो अपन इसमें क्या कर देंगे बोलो भी बेटा, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए सी और बच्चों बी डैश, बी को बच्चों आपको लूज करवाना भी ठीक है ना, तो ए के बेटा जितने की प्रोबेबिलिटी 5/6, सी के बेटा जितने की प्रोबेबिलिटी 3/4, और बी के बेटा हारने की प्रोबेबिलिटी क्या बनगी बी 1/5 बच्चों, ये इसे कैंसिल आउट बच्चों है ना, ये बच्चों तुम्हारे पास यहां से तो 1/8 आंसर होगा सवाल का ठीक है भाई सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा देखो बेटा, यस बेटा गलत कर रखा ना, 1/8 आंसर इसका आएगा ठीक है ना, ये बेटा टाइपिंग मिस्टेक है, ए आंसर आएगा ठीक है। नेक्स्ट पर जाओ, द लेटर्स ऑफ द वर्ड जूलॉजी है ना आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज ठीक है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंसोनेंट्स ऑफ वोवेल्स आर अल्टरनेट बच्चों है ना, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं करना भी, पहले बेटा जेड जेड और बच्चों वाई और एक एल भी इसमें आ गया, और बच्चों इसमें क्या बच गया अभी ओ ओ बच्चों ओ भी है ना, कितने हो गए भी 4, 3, 7 बच्चों हो गए ना, वोवेल्स बच्चों कॉन्स्टेंट्स ऑफ है ना आपके पास अल्टरनेटिव एनालिसिस में यार, तो बेटा इनको तो आपको एस डी से अरेंज करना पड़ेगा, तो 4 factorial upon 2 factorial इंटू बेटा यहाँ बीच में किसको बैठा दो बोलो भी आप, इनको बैठा दो भाई, तो इनको बैठाने का तरीका एक ही होता है बस ठीक है। प्रोबेबिलिटी पूछिए क्या ओके, तो बच्चों तुम्हारे पास 4 factorial upon 2 factorial, और बच्चों रेंडमली कैसे भी अरेंज करने का तरीका क्या बन जाएगा बोलो भाई, 7 factorial upon बोलो भाई 3 इसमें ओ भी तो 3 factorial, और इसमें क्या बोलो भाई 3 factorial लगे एक तो, और इसमें अपने पास क्या भी को रिपीट कर रहा है या नहीं रिपीट कर रहा है, 3 तो आप रिपीट करिए ठीक है ना। अब इसको डिवाइड बच्चों कर लें आप, तो तुम्हारे पास ये क्या बन गया अभी 4 factorial × 3 factorial upon 2 factorial × 7 factorial बच्चों ना, इस रेशियो को आप निकाल लें, ये तुम्हारे सवाल का आंसर बच्चों ना 1/35 विल बी द आंसर ओके। नेक्स्ट पर जाओ भाई, नेक्स्ट अच्छा आप बच्चों देख सकते हैं बेटा यहाँ पे जो एक्स का मान है ना वो क्या होगा बोलो भाई 7 के बच्चों बराबर या ज्यादा होगा भी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास क्या बन गई बताओ भाई, 7 से बच्चों स्टार्ट कर देंगे आप तो 94 बच्चों नंबर हो गए और आउट ऑफ 100 भी, तो डिवाइड करने से क्या बन गया 47/50, तो बी सवाल का आपके पास आंसर सवाल का हो जाएगा सवाल। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 बच्चों नंबर भी है ना बेटा, सिंपल या 2.5 आंसर 2.5 भाई। नेक्स्ट आ जाओ भाई,
अच्छा बच्चों, आपके पास ये पैसा था, बिल्कुल सिंपल था आपके पास, है ना। आप बच्चों देख सकते हो यहां से कि ये तुम्हारे पास बच्चों क्या भी कोस स्क्वायर रूट एक्स है, ये मेरे पास क्या भी है ना, मेरे पास एफ ओ जी एक्स, ये बच्चों मेरे पास है ना कोस एक्स का बच्चों मोड। अभी बेटा आप सोच सकते हो कि जी एक्स हमारे पास कुछ मोड टाइप का चीज आएगी भी, ओके ना। तो आपके पास पहला एफ एक्स कहां पे, ये भी है ना, आगे देखता हूं। जी एक्स मेरे पास क्या बोलो, मोड एक्स बच्चों, तो मोड एक्स है ना मेरे पास, यहां से क्या बोलो भी रूट एक्स, ओके है ना। तो बच्चों मेरे पास ये बन गया भी, और अपन यहां से एफ एक्स फाइंड करना अपने को ना भी। तो एफ एक्स बच्चों मेरे पास यहां से क्या बोलो भी, आप इससे एड लगा लो भी एफ ऑफ जी एक्स, वो मेरे पास क्या बताओ भी कोस स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो बच्चों अपन चॉइस से कर लें इसको फटाफट भी, कि हमारे पास एफ ऑफ जी एक्स आना चाहिए कोस एक्स का मोड आना चाहिए, और एफ ऑफ जी एक्स बच्चों मेरे पास क्या आना चाहिए, कोस का रूट एक्स आना चाहिए। तो बच्चों एक बार के लिए बेटा मैंने एफ एक्स क्या लिया यहां पर देखो भैया ना, एफ एक्स बच्चों मेरे पास आना चाहिए भी जी एक्स की फॉर्म में, बच्चों मेरे पास ही आएगा भी है ना। पहले आप बच्चों यहां से एफ एक्स आट लो पहले ना, एफ एक्स मेरे पास यहां से क्या आएगा भाई, यदि बच्चों मैंने जी एक्स को रूट एक्स लिया भी, मैंने जी एक्स को रूट एक्स लिया तो मेरे पास ये क्या बनेगा देखो भाई, जी एक्स को रूट एक्स मैंने लिया, और मैंने बच्चों मान लीजिए एफ एक्स को लिया कोस स्क्वायर एक्स लिया भैया ना, एफ एक्स को मैंने कोस स्क्वायर एक्स लिया, तो बेटा देखो बना के देख लो भैया ना कि तुम्हारे पास ये जी ऑफ एफ एक्स ही आएगा क्या भाई। जी मेरे पास कितना बोलो भाई, जी बच्चों मैंने माना इसका रूट एक्स माना गया, एक सेकंड रुकना बच्चों है ना, एक सेकंड रुकिए मैं देखता हूँ सवाल में कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं कर रखे, ओके रूट एक्स और कोस स्क्वायर एक्स आएगा बच्चों है ना। तो बच्चों आप देख लीजिए यहाँ पे ना, एक तो कोस स्क्वायर कुछ आंसर इसका जाएगा और एक तुम्हारे पास रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है ना रूट एक्स। आप बच्चों वेरीफाई कर सकते हो जी एक्स को तुमने क्या लिया, यहां से रूट एक्स लिया ठीक है ना, और एफ एक्स को मैं यहां से क्या ले लूं भाई, कोस स्क्वायर एक्स ले लूं भाई। आप बच्चों दोनों से वेरीफाई कर सकते हो आप यहां से, कि आप फाइंड यहां से करोगे ना भाई एफ ऑफ जी एक्स, तो निकाल के देख लो भाई, तो ये बनेगा एफ ऑफ जी एक्स क्या बताओ रूट एक्स है क्या, तो बनेगा देखो भाई ना कोस स्क्वायर रूट एक्स बच्चों, ये तुम्हें चाहिए आप यहां से है ना, ये तो आ रहा भैया ना बच्चों, दोनों बिल्कुल आंसर हो गए ठीक है। नेक्स्ट पे जाओ भाई, ओके है ना, ये देखो भाई। तो बच्चों मेरे पास इसका बच्चों अपन वैल्यू निकाले भी, ये जी एफ यहाँ पे ना गलती कर रखी टाइपिंग मिस्टेक है, जी एक्स बच्चों। तो बच्चों पहले इसका मेरे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी जीरो, और ये मेरे पास क्या जीरो भाई, ये मेरे पास क्या बन गया अभी एक, और ये मेरे पास क्या बन गया ऐसे बोलो भाई, ये वन प्लस ही आएगा बच्चों, वन प्लस का जी है बच्चों वन ही आएगा गया आपके पास, तो कट गया बच्चों जीरो आंसर आ गया ठीक है। इसी टाइप से बच्चों अपन चेक कर लेंगे भाई ना कि क्वांटिटी बच्चों जीरो पे नहीं है बेटा, यहाँ पे दोनों भी डिस्कॉन्टिन्यूस आपके पास आएगा ठीक है ना, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या भी, अच्छा बच्चों आप यहां देख सकते हो भी कि तुम्हारे पास का डेरिवेटिव बच्चों कर लो आप एफ डेस एक्स, वो क्या आएगा वन माइनस का साइन टू एक्स इंटू टू, अब इसको जीरो कर देंगे आप तो वन माइनस का टू साइन टू एक्स, इसको मैंने जीरो किया तो साइन टू एक्स यहां से क्या बन गया अभी एक बटा दो, तो एक्स बच्चों यहां से क्या बन गया अभी पाई बटा बारह ठीक है ना। तो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू कहां इसका आएगा बोलो पाई बटा बारह भी आएगा अभी, तो बच्चों पाई बटा बारह दो यहाँ पे आप फलन में, तो एफ ओ पाई बटा बारह तुम्हारे पास क्या आएगा इसका बताओ भाई, वो बच्चों बनेगा पाई बटा बारह, और ये बच्चों बन जाएगा पाई अपॉन सिक्स, पाई अपॉन सिक्स क्या होता है बोलो भाई रूट थ्री बाई टू बच्चों, तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास बी हो गई ठीक है ना। ऐसे बच्चों मिनिमम वैल्यू आपके पास कहाँ पे आएगी बोलो भाई, माइनस बच्चों पाई बाई टू भी जाएगा, तो माइनस पाई बाई टू ये माइनस का पाई बाई टू, और ये बच्चों माइनस एक, ये तुम्हारे पास की सबसे छोटी वैल्यू जाएगी ठीक है। तो आपके पास ये बच्चों ना माइनस को निकाल के बेटा ये आंसर होगा ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 107 पे, द एरिया बाउंडेड बाई, तो बच्चों पैराबोलिक ग्राफ के पास ऐसा ग्राफ बनेगा भी, और ये लाइन बन गया एक्स इक्वल टू के वाला लाइन भी, बच्चों ये रिक्वायर्ड एरिया आपके पास होगा भी, ये बच्चों आपको दिया चार अपॉन तीन भी, तो रिक्वायर्ड एरिया भी तो ट्वाइस जीरो से लेके के, और बच्चों वाई क्या बनेगा इसका भी रूट के इंटू रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू बच्चों फोर अपॉन थ्री कर दें आप है ना बच्चों, यहाँ से के तुम्हारे पास वन आएगा भाई, बच्चों के तुम्हारे पास यहाँ से वन बच्चों बन जाएगा भी ठीक है। अब बच्चों के तुम्हारे पास वन आएगा भी, तो बड़ा नेक्स्ट आपके पास आंसर क्या बने, लेटेस्ट अटेम्प्ट इसका क्या बनेगा भाई, चार एक उससे बच्चों वन, तो ए बन गया वन अपॉन फोर, तो बड़ा आपके पास लिमिट क्या लगेगी ट्वाइस जीरो से लेके वन बाई फोर और रूट एक्स डी एक्स बच्चों, तो डी आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, बेटा साफ साफ दिख रहा है इसका डिग्री हो बेटा आपके पास क्या ऑर्डर वन माना सिंपल ठीक है, इसको बच्चों सोल्व कर लेंगे आपके पास बर्नौली इक्वेशन बनेगी, ये डी आंसर इसका आएगा ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, अच्छा ये देखो बच्चों ये तुम्हारे पास क्या भाई, y तुम्हारे पास x का फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका बच्चों अपन जी एफ लेंगे भाई,
तो जी आई एफ ऑफ फ्रैक्शन पार्ट क्या बनता, सीधा बोलो भाई, जीरो, तो बच्चों सीधा जीरो आंसर आएगा। ओके नेक्स्ट आ जाओ भाई, ठीक है ना। अच्छा बच्चों ये भी सिंपल ही है भैया ना, एफ ऑफ जी एक्स और बराबर किसके बोलो भी, जी ऑफ एफ एक्स बराबर कर दो बेटा, कुछ भी नहीं करना है, उसमें लगा दो चार इंटू के एक्स प्लस का दो प्लस का एक बराबर के इंटू एक्स का मेरे पास चार एक्स प्लस एक प्लस का दो भी। तो बच्चों ये मेरे पास चार के एक्स प्लस का आठ प्लस का एक बराबर चार के एक्स प्लस का के प्लस का टू, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट बेटा, तो के तुम्हारे पास यहाँ सिंपल दिख रहा है आपको, सात आंसर आ जाएगा भैया ना, के सेवन, तो बेटा फर्स्ट इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। ओके ना, नेक्स्ट पा जाओ भाई, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, तो बेटा इसको आप ब्रेक डाउन कर लो भी, तो ये बनेगा लॉग 10 बेस एक्स प्लस वन का स्क्वायर और प्लस का 10 भी, है ना। मिनिमम बच्चों का बनेगा जब ये जीरो जाए भी, और वैल्यू क्या बन जाएगी इसकी बोलो भाई, एक। तो सवाल का आंसर क्या बनेगा इसका, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट पे जाओ साहब, तो ये बच्चों लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं भाई, एक राइट लिमिट तो उसकी वन आएगी, लेफ्ट लिमिट बच्चों माइनस वन आएगी, तो लिमिट डोंट एग्जिस्ट, डी आंसर है। नेक्स्ट पे जाओ भाई, ये बच्चों मेरे पास क्या भाई, इसको बच्चों आप जानते हो फॉर्मूला भी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसका, बोलो भाई सी प्लस, ये मैक्सिमाइज होकर बनेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बच्चों, तो आपके पास बी आंसर होगा सवाल का, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों सवाल दिया रही। नेक्स्ट मेरे पास क्या बोलो भाई, अच्छा बच्चों आप देख पा रहे हो भाई यहाँ से भी, तो एफ ऑफ टू एक्स हमारे पास यहाँ से क्या बोलो भाई, ये टू एक्स पावर टू प्लस वन भी है ना, तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स बच्चों तुम्हारे पास बन गया भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन भी, है ना। अब बच्चों बोला भाई ये बच्चों जी एम कब बनेगा भाई, जीएम बच्चों बनेगा जब एफ ऑफ टू एक्स का पावर दो क्या हो जाए बोलो भाई, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ चार एक्स। अब बेटा समीकरण में बैठा दो तुम्हारे पास सवाल का एक आंसर आएगा इसका भी ना, एक आंसर बच्चों सी आंसर सही। नेक्स्ट पे आ जाओ, अब बेटा इसका पहले रूट निकालो इसका, है ना भाई, जी आई एफ का पावर दो माइनस ये बन जाएगा तुम्हारे पास सत्रह और तेरह क्या, यस सत्रह इंटू जी आई एफ एक्स और माइनस का थर्टीन इंटू जी आई एफ एक्स प्लस का 221 बराबर जीरो बच्चों, है ना। तो ये बनेगा तुम्हारे पास जी आई एफ एक्स माइनस का 17 इंटू जी आई एफ एक्स माइनस का 13 बराबर जीरो बच्चों, तो तुम्हारे पास जी आई एफ एक्स बच्चों एक तो 17 आ गया और एक बच्चों 13 का भी। अब तुम्हें बच्चों क्या पूछा बोलो भाई, सम क्या, बेटा सम ऑफ दीज आंसर विल बी 30, है ना, जोड़ दो बेटा इनको एड अप, ओके 30 आंसर आएगा, ठीक है ना भाई, ओके सही है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, अच्छा तो सिंपल दिख रहा है आपको, जी एक्स यहाँ से क्या बनेगा बोलो भाई, जी एक्स तो 9x माइनस 8 रूट एक्स माइनस का 1 भी। अच्छा बच्चों इसके रूट निकालने आपको भी, तो 9 आप बच्चों रूट एक्स को t मान लो एक बार भी, तो ये बनका 9 टी स्क्वायर माइनस का 8 टी माइनस 1 इक्स टू 0, तो बच्चों इसके फैक्टर निकालो भी, ओके है, तो बच्चों 9 टी कॉमन आ गया और t माइनस का 1 प्लस 1 इंटू टी माइनस 1 भी, तो बेटा इसके दो रूट्स आ गए भी, एक तो टी इक्वल टू 1 और एक बच्चों माइनस का एक बेटा 9 भी, क्योंकि बच्चों टी आपके रूट एक्स के बराबर है, तो ये पॉसिबल तो है नहीं बच्चों, तो केवल एक इसका रूट आएगा भाई, तो कि आपके पास कौन सा आंसर बच्चों बन जाएगा भाई, जी एक्स हैज 1 रियल रूट विच इज इंटीजर भी, सही बात है बेटा, ये आपका इंटीजर रूट ही है भाई, तो बी बच्चों आंसर होगा सवाल का। नेक्स्ट आ जाओ भाई, तो लिमिट का सिंपल सवाल अभी, तो लिमिट मेरे पास ये क्या बन गया भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 और ये बन गया 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा भी, ये बच्चों सीधा 0/0 फॉर्म ले रहा भी। अब इसका आप डेरिवेटिव कर दो, सिंपल है, ये बन गया कोस थीटा, ये बन गया माइनस का साइन थीटा भी, और ये कहाँ पहुंच गया बोलो भी 0 पे, तो लिमिट बेटा क्या बन गई इसकी, 0 बन गई। नेक्स्ट, ठीक है, अच्छा बच्चों आप देख पड़े बेटा समझ आ रहा है, तुम्हारे पास ये कौन सा टाइप का फंक्शन है बोलो भी, एक्स स्क्वायर टाइप का बच्चों फंक्शन है, तो एफ ऑफ 1/2 तुम्हारे पास क्या बन गया बोलो भाई, 1/4, तो बच्चों आंसर बन गया 1/4, ठीक है। तो बच्चों ये तुम्हारे पास बच्चों पेपर का कंप्लीट आपका डिस्कशन था, आई होप बच्चों आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है ना। अब बच्चों आंसर को मैच करें आप, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, जय सी एल सी।